नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं अमित भूपिया। मध्य प्रदेश वो प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। किसकी सरकार है और कौन मुख्यमंत्री, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है ये स्थिति बदल जाए। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक कमलनाथ सरकार के ऊपर खतरे की तलवार लटक रही है। जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और गिर गई और बीजेपी की सरकार बन गई, हो सकता है मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी गिर जाए। ये खबर एक ऐसी जांच के बारे में है जिसमें फंसने वाले विधायकों की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। अगर मौजूदा विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ती है तो इसका सीधा असर मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटों के समीकरण और कमलनाथ सरकार की सेहत पर पड़ना तय है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस जाँच के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूँ पूरा मामला क्या है। अब मध्य प्रदेश में आयकर विभाग का डंडा चलना शुरू हो गया है। भ्रष्टाचारियों के नाम अब आयकर विभाग की कलम से लिखे जा चुके हैं। आयकर विभाग की एक जांच में सामने आया है कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 30 विधायकों के शपथ पत्र में जो आय बताई गई है वो उनके 5 साल के इनकम टैक्स रिटर्न में बताई गई आय से मिलान नहीं खा रही है। दोनों ही जगह विधायकों ने जो आय बताई है उसमें भारी फर्क नजर आ रहा है। इस मामले में 16 विधायकों को आयकर विभाग ने सम्मन जारी करते हुए उन्हें 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। जिन 16 विधायकों को आयकर विभाग का नोटिस भेजा गया है उनमें से बीजेपी के 5, कांग्रेस के 9, एसपी और बीएसपी के 1-1 विधायक शामिल हैं। इस जांच में फंसे विधायक अगर इस बात का सही जवाब नहीं दे पाएंगे कि 5 साल के इनकम टैक्स रिटर्न में बताई गई आय और शपथ पत्र में बताई गई आय में इतना फर्क क्यों है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के आधार पर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। आयकर विभाग ने इस जांच में प्रत्याशियों के 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एफिडेविट यानी शपथ पत्र की जाँच की। जो संपत्ति प्रत्याशियों ने शपथ पत्र में घोषित की है उसका मिलान उनके 5 साल के घोषित इनकम टैक्स रिटर्न, व्यवसाय, उनकी हुई आमदनी और कुल जायदाद से किया गया है, जिसमें भारी फर्क नजर आ रहा है। आयकर विभाग की इस जांच के आधार पर अगर चुनाव आयोग कार्रवाई करता है और विधायक दोषी पाए जाते हैं तो साफ है कि सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस और एसपी और बीएसपी के विधायकों को पड़ेगा जिनके दम पर कमलनाथ सरकार टिकी हुई है। ऐसे में कमलनाथ सरकार गिर सकती है और कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक के बाद एक और राज्य भी जा सकता है। मध्य प्रदेश में क्या होगा, समय बहुत ही जल्द इसका जवाब भी दे देगा। लेकिन आपको वीडियो कैसी लगी, आप इसका जवाब हमें अभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।